Blues is an IDE, Integrated Development Environment, for beginner to write, edit and execute Java program. Blues एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है जो बिगनर को प्रोग्राम को लिखने, एडिट करने, उसे एग्जीक्यूट करने में हेल्प करता है. इट अलाउ स्टूडेंट टू राइट प्रोग्राम यूजिंग द इंटरेक्टिव विजुअल एनवायरनमेंट. वो एक इंटरेक्टिव विजुअल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है स्टूडेंट्स को, विच गिव्स देम गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोग्राम कंसेप्ट. वो एक गुड अंडरस्टैंडिंग प्रोग्राम कंसेप्ट देता है. ब्लूज We include an editor which you use or write your program, जिसमें आप write कर सकते हैं, debugger, to help to find your mistake, जिसमें आपकी mistake को आप find कर सकते हैं, a viewer, to see the part of your program, जिसमें to see the part of your प्रोग्राम, प्रोग्राम के पार्ट को आप देख सकते हैं. एन ईजी वे टू रन जावा प्रोग्राम, एन ईजी वे टू व्यू डॉक्यूमेंटेशन, उसमें ये रन किया जा सकता है ईजी वे से एंड उसका व्यू भी देखा जा सकता है. स्ट्रक्चर ऑफ जावा प्रोग्राम, फर्स्ट इज कमेंट्स, द टेक्स्ट विथ इन अ स्लैश एस्टेरिक्स एंड और आफ्टर डबल स्लैश इज ट्रीटेड एज अ कमेंट विथ इज इग्नोर बाय द कंप्यूटर. सिंगल लाइन कमेंट विथ डबल स्लैश वेयर इज द कमेंट ब्लॉक स्टार्ट विथ स्लैश एस्ट्रिक एंड एंड एस्ट्रिक स्लैश. जो कमेंट्स है किसके अंदर लिखे जाते हैं, स्लैश एस्ट्रिक्स के अंदर लिखे जाते हैं और डबल स्लैश में लिखे जाते हैं. अ सिंगल कमेंट है बिगेन विथ डबल स्लैश एंड कमेंट ब्लॉक स्टार्ट विथ स्लैश एस्ट्रिक एंड एंड विथ स्लैश एस्ट्रिक. अच्छा, क्लास डिक्लेरेशन, द क्लास कीवर्ड डिक्लेयर द प्रोग्राम नेम. क्लास कीवर्ड प्रोग्राम नेम को डिक्लेयर करता है, बताता है. इट इंडिकेट दैट वी आर गोइंग टू क्रिएट न्यू क्लास. वो इंडिकेट करता है कि वह आप नई क्लास क्रिएट करने वाले हैं. द नेम ऑफ जावा प्रोग्राम मस्ट मैच विथ द क्लास नेम. जो नेम ऑफ जावा प्रोग्राम है क्लास नेम से मैच होना चाहिए. मेन, द सिंगल मेथड यूज इन द वेलकम क्लास इज कॉल्ड मेन. सिंगल मेथड जो वेलकम क्लास में प्रयोग किया जाता है उसे मेन कहते हैं. दिस इज द प्लेस फ्रॉम वेयर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन बिगेन व्हेन द क्लास इज एग्जीक्यूट. ये वो प्लेस है जहां पर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया जाता है और जहां क्लास एग्जीक्यूट होती है. पब्लिक, द कीवर्ड पब्लिक इंडिकेट दैट द मेथड कैन कॉल्ड फ्रॉम एनीवेयर इनसाइड एंड आउटसाइड द क्लास. कीवर्ड पब्लिक बताता है कि मेथड को क्लास के अंदर और बाहर कहीं भी यूज किया जा सकता है. कीवर्ड स्टैटिक इंडिकेट द मेथड रिमेन द सेम ऑल इंटेंस ऑफ क्लास. कीवर्ड स्टैटिक का मेथड हमेशा क्या होगा, सेम ही होगा. वॉइड, द वॉइड इज अ जावा कीवर्ड. वॉइड क्या है, जावा कीवर्ड है विच सिग्निफाइज दैट द फंक्शन विल नॉट रिटर्न एनी रिजल्ट एक्सेप्ट द टेक्स्ट दैट वी एंटर द प्रिंट स्टेटमेंट. वॉइड क्या है, जावा कीवर्ड है जो सिग्निफाइज करता है कि प्रिंट स्टेटमेंट में दर्ज किए गए जितने भी टैक्स है उन्हें छोड़कर फंक्शन कोई भी रिजल्ट नहीं देगा, कोई भी परिणाम नहीं देगा. स्ट्रिंग आर्गुमेंट, द लास्ट पार्ट ऑफ स्टेटमेंट इज स्ट्रिंग args. लास्ट पार्ट ऑफ स्टेटमेंट क्या होता है, स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स होता है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड कमांड लाइन आर्गुमेंट. इसे कमांड लाइन आर्गुमेंट भी कहा जाता है. वेयर आर्गुमेंट इज एन एरे ऑफ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट That represent argument and parameter. और इसमें क्या होते हैं, आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर होते हैं पास टू द क्लास एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन. जब क्लास का टाइम ऑफ मतलब रन करने का टाइम होता है उस समय के पैरामीटर एंड आर्ग्यूमेंट होते हैं, रिप्रेजेंट किए जाते हैं. सिस्टम आउट प्रिंट इन, द स्टेटमेंट इज यूज टू प्रिंट एनी मैसेज रिजल्ट ऑन द टर्मिनल स्क्रीन. सिस्टम द स्टेटमेंट इज यूज, ये स्टेटमेंट कब यूज किया जाता है, जब आपको कोई भी मैसेज या फिर रिजल्ट जो टर्मिनल स्क्रीन के ऊपर है
उसे प्रिंट करना हो तब ये स्टेटमेंट यूज में लिया जाता है. एनी टैक्स रिटर्न इज डबल क्वोटास इज प्रिंटेड एज सच. अगर कोई टैक्स है वो डबल क्वोटास में है तो वो जैसा है वैसा का वैसा प्रिंट हो जाता है. एनीथिंग रिटर्न विदाउट क्वोटास इज ट्रीटेड एज द प्रोग्राम कंपाउंड कंपोनेंट इट विल बी रिटर्न. और जो डबल क्वोटास में नहीं है जिस तरह प्रोग्राम में उसे दिया गया कंपोनेंट के रूप में उस तरह वो प्रिंट हो जाता है. वी कैन सी प्लस सिंबल्स. वी कैन यूज द प्लस सिंबल कंबाइंड टू और मोर आइटम इन अ सिंगल लाइन. जब प्लस सिंबल का यूज में लेके टू और मोर आइटम को सिंगल लाइन में प्रिंट किया जाता है.